हाय एवरीवन, जय श्री श्याम। आज हम आए हुए हैं खाटू श्याम, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। मंदिर के पास आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। हमने ये होटल लिया था और इनका प्राइजेस जो होता है वो 1200 से 1500 के बीच में होता है। इससे पहले हम सालासर बालाजी भी गए थे, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है चैनल पे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं जून के टाइम पर गई थी वहाँ पर, और वहाँ पर उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था। तो अब हम निकल चुके हैं अपने होटल से मंदिर जाने की, और मंदिर हमारे होटल से काफ़ी नज़दीक था, इसलिए हम पैदल ही जा रहे थे। और यहाँ से आपको रिक्शे भी मिल जाएंगे जो आपको मंदिर की ओर छोड़ देंगे। रास्ता तो पास था, लेकिन वहाँ पर उस समय काफ़ी ज़्यादा धूप थी। हमने जाते टाइम बाबा का निशान और गुलाब लिया था। आप चाहे तो प्रसाद भी यहीं से खरीद सकते हैं, वरना आगे आपको मंदिर के पास भी काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएगी जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैंने ये मोर पंख भी लिए थे। और अगर हम बाबा की बात करें तो खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से है, और ये पांडव पुत्र भीम जी के पोते थे, और इनका नाम बर्बरिक है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत के युद्ध में जीत तो पांडवों की ही होगी, परंतु बर्बरिक जी ने अपनी माता को वचन दिया था जिसके अनुसार वो जो पक्ष कमजोर होगा उसकी तरफ से बर्बरिक जी लड़ेंगे। और उस समय कौरव हार रहे थे। माता को दिए गए वचन के अनुसार बर्बरिक जी अगर कौरव की ओर से लड़ते तो अधर्म की जीत हो जाती, जिस वजह से श्री कृष्ण ने उनका शीश दान में मांग लिया था। तब से उन्हें शीश के दानी के नाम से भी पूजा जाता है, और तभी श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। और माना जाता है कि कलयुग में बर्बरिक जी का शीश सीकर के खाटू गांव में धरती में दफन मिला। तब से उनकी यहां पर पूजा की जाती है, और यहां पर दूर दूर से भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। और कहा जाता है खाटू श्याम जी का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है उसकी जीत तो तय ही होती है, इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। अब आप लोग भी उनके दर्शन कर लीजिए अच्छे से। हमने दो बार यहाँ पर दर्शन करे, दोनों बार हम लाइन में लगे और दोनों बार हम दोबारा दर्शन करके आए थे। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर आपको मार्केट दिख जाती है काफ़ी अच्छी, और काफ़ी मंदिर भी दिख जाते हैं। बस आप सैटरडे और संडे को आना अवॉइड करें, सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मेरे को तो बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, बाबा के बिल्कुल पास से हुए थे, वो भी दो दो बार हुए थे। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आ गया था। हम सुबह सुबह भूखे पेट गए थे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने रेस्टोरेंट मिला था, उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत खाया। मैगी खाई थी और आलू के पराठे थे और चाय थी और अचार भी था। मैगी तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी और हम बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो हमें और ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। बस खा पीकर अब हम निकल लिए घर की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।